स्वागत करते हैं निखोब गांव में भाई, और सुबह सुबह देसी पड़ताल करेंगे। सियाना विधानसभा में इस वक्त मौजूद है, तमाम लोग यहां पर खड़े हैं, गांव के लोग, और मेन अड्डा है गांव का। आई इनसे बातचीत करेंगे अब की बार यहां पर किसका माहौल नज़र आ रहा है। हालांकि यहां पर जो है मुख्य चेहरा किसान नेता पूनम पंडित चुनाव लड़ रही है, जो कि कांग्रेस से टिकट मिला। क्या कहना चाहोगे? पूनम पंडित को ही है जी, पूनम पंडित को है। पूनम पंडित को? हाँ जी। क्यों पूनम पंडित को क्यों वोट? क्यों, हमारे युवा है, बढ़िया है, किसानों के साथ दिया है 1.5 साल से। अच्छा जी। हाँ जी, इसलिए जावा करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, ठुक्का। लेकिन ये कह रहे कि बीजेपी का ज्यादा जोर है, बीजेपी का जहाँ होगा वहाँ होगा, यहाँ तो नहीं है। अच्छा। हाँ, विधानसभा में? हाँ जी, पूनम पंडित जीते की ठुक्का। एक तरफा भाई, आगे बोलो। एक तरफा जीतेगी? अच्छा, बोलो खुल के बोलो, कोई बात नहीं। हाँ, पूनम पंडित एक तरफा जीतेगी। अच्छा, यहाँ से वो जो देवेंद्र लोधी जी है, उनका तो हाल ही बुरा हुआ, उनका यहाँ को सुपड़ा साफ है। तो उनको हमारे गांव में एक बार आकर नहीं देखा उन्होंने। देखे बिल्कुल ना भैया। कितना काम हुआ आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में कांग्रेस के राज में जो पहले हो गया था वो अब नहीं हुआ है। अच्छा। और हमारे शुरू से, जब से देश आज़ाद हुआ, तब से ही कांग्रेस का राज चलता आ रहा है, कांग्रेस ही सक्सेसफुल रही है। अच्छा। और नेता तो ऐसे आए और अपना मतलब निकाला और चले गए। अच्छा, अपना मतलब निकाला चले गए। बीजेपी सरकार का कार्यकाल ठीक नहीं रहा जी? नहीं जी। क्यों? तो वैसे सही था, शासन बढ़िया था, मगर अभी बदलनी चाहिए हर चीज। अच्छा, बदलनी चाहिए। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश का यही इतिहास रहा भाई, दोबारा सीएम नहीं आया आज तक। कभी अब की बार आ जाए फिर। पूनम पंडित को जिताएंगे, पूनम पंडित के लिए हैं। पूनम पंडित एक युवा नेता है और एक बहुत इसमें भविष्य दिखता है हमें। क्या भविष्य दिखा आपने इसमें? बहुत अच्छा है, इनसे अच्छे वक्ता और आम आदमी, किसान आदमी के लिए सुनने वाली कौन है? हर कोई आदमी नहीं है, किसान आदमी के, एक आम आदमी की आवाज़ सुनती है ये। क्या आपके लिए कुछ कर पाओगे? लेकिन वो कह रहे कि कांग्रेस सरकार तो बनती नहीं उत्तर प्रदेश में। सरकार नहीं बनेगी, हमारी विधायक तो बनेगी, पूनम पंडित हम विधायक बनाएंगे। विपक्ष में बैठ कर काम कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगी, ये तो विपक्ष की धज्जियां उड़ा देंगे। आप तो दिल्ली बॉर्डर पर नहीं देखा, किसानों के साथ साथ खड़े ने किसान आंदोलन सफल करवाया उन्होंने। अब की बार विजेता? अब की बात वोटों से, काफी अच्छी वोटों से जिता के भेजेंगे हम। और निखोब गांव से आज हम यहाँ कर रहे हैं, पूरा निखोब गांव कभी इकट्ठा नहीं हुआ इतना किसी के लिए। आज पूरा निखोब पूनम पंडित के लिए इकट्ठा है। हाँ जी, कांग्रेस को देखो, हमारा जो 5 साल का जो कार्यकाल पूर्व विधायक जी रहे दिलनवाज खान ने, हर गांव-गांव में अपनी तरक्की करी है और काम कराया है। और वो पहले कांग्रेस से विधायक जी थे और अब इस समय लोकदल से उन्हें टिकट मिला है। तो मेरा कहना तो ये है कि जनता का रुझान ज़्यादा से ज़्यादा दिलनवाज के लिए ही है। क्षेत्रीय जनता मुझे लग रहा है कि 10:30 बजे तक उन्हें जिता देगी। अच्छा, यहाँ से ओनली दिलनवाज जी जीतेंगे और कोई नहीं है। दिलनवाज जी गठबंधन से है? जो गठबंधन से पक्की सरकार, और सरकार भी माननीय अखिलेश जी की आनी है। अच्छा, इस पर हाँ पक्का बात है, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, एक दो चीज बात कर लेंगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? सरकार का चुनाव कुछ ऐसा खिचड़ी पक रही है, कुछ कह नहीं सकते किसकी सरकार आ जाए। लेकिन इस सीट की अगर बात करें तो? किसकी सीट की बात करें तो? सियाना विधानसभा में? विधानसभा में वैसे बराबर की टक्कर है। टक्कर है? हाँ, किस किस की टक्कर है? दिलनवाज और भाजपा की। भाजपा की? और जो पूनम पंडित है यहाँ से? हाँ, पूनम पंडित अपना प्रयास कर रही हैं। हाँ। वे पीछे प्रत्याशी को टिकट मिला है और जो पीछे मिलने की वजह से पिछड़ावा जो है तूफानी दौरे चल रहे हैं पूनम पंडित के, क्या लगता है? अगर आप बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? हाँ, ये है कि पूनम पंडित की वोटें काफ़ी और सुधार पर चल रही हैं। हो सकता है युवा अगर ये चाहें क्या भाई हम पूनम पंडित अच्छी नेता है। कहना है कि जो ये 3-4 दिन तक जो वर्करी करी है पूनम पंडित, जो गांव-गांव जा रही है, इससे हाँ। क्या हुआ? क्योंकि पहले तो आए नहीं पूनम पंडित यहाँ पे, हाँ हाँ। क्योंकि उसने लोग इतने हुए नहीं। लेकिन जो है अभी जो है पूनम पंडित का ग्राफ बदल रहा है, कहीं ना कहीं जो 3 बंदे रेस में भेज रहे हैं, बीजेपी, गठबंधन और अभी पूनम पंडित। पूनम पंडित सबसे लेट दौड़ी थी और अभी जो है दौड़ स्टार्ट हो चुकी है। दौड़ चलेगी 10 तारीख तक, 8 तारीख तक। उस दौड़ में कौन विनर बनेगा ये तो फिर 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन दौड़ अभी जारी है, दौड़ चल रही है। पूनम पंडित दूसरे स्टेप पे आली शायद, हाँ हाँ। दूसरे नंबर पे आली, पहले नंबर पे पहुंच पाएगी या नहीं, बीच में रुक जाएंगे, इसका जवाब जनता देगी। एनडी हरियाणा चैनल पर कौन सा गांव है जी? केसुपर सटला। केसुपर सटला में इस वक्त मौजूद थे पूनम पंडित। आप देख सकते हैं पूनम पंडित का बार बार नाम क्यों ले हूं, क्योंकि सबकी नज़र है उत्तर प्रदेश इस सीट पर। तो बने रहिएगा एनडी हरियाणा चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।
हेलो चलो क्या क्या नाम है जी आपका? जी लवलेश शर्मा। लवलेश शर्मा? हाँ लवलेश उर्फ लवली शर्मा। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहोगे सयाना विधानसभा में किसकी वापसी होगी? देखो वापसी, देखो जो अच्छा जो जो मेहनत करेगा उसकी होगी। अब देखो ग्राउंड लेवल पर जो जो चल रहा है देखा जाएगा, पब्लिक जो नेता सबसे अच्छा रहेगा उसको सपोर्ट करा जाएगा। अब तक कौन चल रहा है रेस? देखो इस बात की अभी नहीं कह सकते, एग्जिट पोल के बाद ही पता लगेगा। वो तो पंडित चुनाव लड़ रही है यहाँ से भी? हाँ वो बीजेपी से है, उससे वो कांग्रेस है जी। क्या अब की बार वोट मिल पाएगा कांग्रेस? हाँ देखो अगर कोशिश करेंगे, अगर अगर ग्राउंड लेवल पर आती है तो वोट मिलेंगे जरूर। मिलेगी वोट? हाँ मिलेंगी जरूर। और जीत भी सकती है या नहीं? देखो जीतने की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर मेहनत करेंगे तो जीत सकती है। जीत सकती है? हाँ। यानी कि भाई बनने लगी बात है? हाँ, बात बनने लगी। चलो भाई